यस स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व दीज इक्वेशंस, दीज आर द फ्रैक्शंस, दिस इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। ये सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शंस को, यहाँ फ्रैक्शंस तीन फ्रैक्शंस हैं, यहाँ ऐड करनी है। यहाँ भी ये मिक्स्ड टाइप वाली फ्रैक्शन है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करके आपको आंसर देना है। फ्रैक्शंस के भी तीन टाइप होते हैं, आप जानते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। दिस इज द टाइप ऑफ प्रॉपर, बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। दिस इज होल नंबर, 2/1 होल नंबर, दिस इज प्रॉपर, न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। दिस इज प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, एंड दिस इज द टाइप ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर। दिस हैज टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, होल नंबर एंड दिस इज फ्रैक्शनल नंबर। एंड विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रैक्शंस, बट वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, एंड दीज आर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शंस का, तो इनको हम कैसे करें, तो इसके लिए LCM लिया जाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालते हैं LCM। LCM डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है 1 और 5, दिस हैज 1 एंड दिस हैज 5 एज डिनोमिनेटर, ये 5 आया LCM, तो यहां लिख दीजिए LCM 5। ये LCM लेने का शॉर्टकट मेथड है, वैसे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाला भी मेथड है, लेकिन ये सबसे शॉर्ट है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता अगर इसको समझ गए तो। ये थोड़ा समझने में हेवी है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, दिस इज लोअर, दिस इज लोअर, लोअर टू लोअर डिवाइड, लोअर और लोअर को आपस में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब 5 डिवाइड बाय 1, 5 में 1 का डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इस 5 को क्या करेंगे, ऊपर इनटू कर देंगे, अपर में उस डिवीजन का जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये डिवाइड, नीचे नीचे लोअर टू लोअर डिवाइड, 5/5 करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा, कट जाएगा 1 आएगा, ऐसे लिख के देखना ना रफ पे, और इस 1 को न्यूमरेटर में इंटू करेंगे, बस आपका आंसर रेडी है। 2 × 5 10 कर दीजिए, माइनस 3 × 1 3 कर दीजिए, कितना आया, 7/5, 7/5। देखिए ये इम्प्रॉपर टाइप का आंसर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब चाहे तो इसको मिक्स्ड नंबर में भी निकाल सकते हैं, 7 / 5 करके, ऐसे ये भी आंसर है सही, 5 × 5 2, तो इसका आंसर आएगा 1 होल नंबर और 2/5 फ्रैक्शनल नंबर, 2/5, ये इसका आंसर है। ऐसे ही 10, 5 और 2 को देखेंगे, तो 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है, तो एक ही टेबल में आने वाला जो बिगर नंबर होता है वही आप LCM में अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी निकाल लीजिए, 2 × 5 = 10, 5 as it is, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। देखिए वही मेथड ले रहा हूं मैं, शॉर्टकट मेथड, जैसे यहां किया था,
ये लोअर नंबर थी, ये लोअर नंबर, यहां भी लोअर नंबर टू लोअर नंबर, लोअर टू लोअर डिवाइड, लोअर टू लोअर डिवाइड, लोअर टू लोअर डिवाइड किया, वन आया, वन को क्या करेंगे ऊपर इंटू करेंगे न्यूमरेटर में, फिर लोअर टू लोअर डिवाइड टेन फाइव कितना आया, टू टाइम्स कट गया, ये जरूर कटेगा, लोअर टू लोअर जरूर कटेगा। कंप्लीटली डिविजिबल नंबर लेते हैं हम, एलसीएम ऐसी नंबर लेते हैं जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होती है, एलसीएम इसलिए ही लिया जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ये, सबसे पहले आने वाला कॉमन मल्टीपल होता है। 5 2 10 2 2 आया, जो कटने के बाद बचता है उसको याद रखना है न्यूमरेटर में, जो उस फ्रैक्शन का आप कर रहे हो, जैसे इसकी बात कर रहे थे हम, इसकी बात कर रहे थे टू टाइम्स, टू को इंटू किया, टू टाइम्स गया ना, 5 2 10 टू को इंटू किया, यहां देखिए कितनी बार जा रहा है डिवाइड, आपको ऐसे लिख सकते हैं, आप ओरली नहीं कर सकते, 2 5 10 होता है वैसे तो, लोअर टू लोअर डिवाइड किया मैंने, लोअर नंबर का लोअर नंबर से डिवाइड किया तो 5 आया, कट गया, 5 को ऊपर इंटू कर दें, कर दिया इंटू, अब आपको इनको सबको इंटू करके लिखना है बस, ये 10 5 और 2 ने तो 10 दे दिया है, खत्म, डिनोमिनेटर का काम खत्म हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करें, 7 × 1 7 प्लस 2 × 2 4 प्लस 3 × 5 15, देखिए इन सब का एडिशन ही आपका आंसर है, अपॉन 10 लिखना है, 26 अपॉन 10 और 26 अपॉन 10 2 की टेबल से कटता है, दोनों इवन है, तो 2 1 2 2 3 6 और 5 13 अपॉन 5 को भी आप ऐसे मिक्स्ड नंबर में ला सकते हैं, 13 अपॉन 5 13 डिवाइडेड बाय 5 5 2 10 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 वोल नंबर, 3 रिमाइंडर है, तो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई आंसर, 5 2 10 प्लस 3 13। अब इस क्वेश्चन की बारी है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटू करना है इसको, 2 8 जा ये 7th क्वेश्चन लिया है, 2 8 जा 16 16 प्लस 1 ये प्लस करेंगे ऊपर वाला नंबर, 17 अपॉन 2 माइनस, इनको इंटू करें, 24 में 5 प्लस करना है, 29 अपॉन 8, 2 और 8 का एलसीएम निकाल के देखना है, 8 आएगा, 2 और 8 2 2 4 2 8, इन सबको आपस में इंटू करते हैं, 8, अब करें 8 अपॉन 2 गिव्स 4, 4 को करेंगे ऊपर इंटू, फिर 8 अपॉन 8 गिव्स 1, 1 को करेंगे ऊपर इंटू, जो आंसर कटने के बाद आता है उसको न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का मतलब ऊपर की नंबर में इंटू करते हैं, तो 7 × 17 × 4 68 माइनस 29 68 माइनस 29 गिव्स, या माइनस कर लेना, 39 अपॉन 8, और 39 अपॉन 8 की भी आप ऐसे ही मिक्स्ड नंबर निकाल सकते हैं। तो इसके सारे पार्ट्स आप करना, मैंने इसके 3 पार्ट किए हैं आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके रखना।